तरन तारण के आरपीजी अटैक मामले तो बाद हुण पुलिस हरकत में आई है। थाणियां के बाहर सुरक्षा को सख्त किया जा रहा है। हाल ही में जिस नाल सराली थाने पर अटैक होया, तरन तारण के आरपीजी अटैक मामले तो बाद क्योंकि पुलिस की बेहद किरकिरी हुई और हुण पुलिस हरकत च आई नजर आ रही है। तो हुण थाणियां के बाहर सुरक्षा सख्त की जा रही है। जीरकपुर पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा को सख्त किया गया। रेते नाल भरिया बोरियां लगा के इत्थे पोस्ट बनाई जा रही है तां जो हर आन जाण वाले ते नजर भी रखी जाए। जय विचकार क्योंकि जिस नाल ए अटैक होया थाने ते, हालांकि गनीमत रही सी कि उते कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं होया, लेकिन अपने आप विच एक गंभीर पूरा मामला सी क्योंकि इनपुट लगातार मिल रहे सन कि भावें सरकारी इमारतां हुण थाने हुण उन्हां ते अटैक होएगा। सो हुण आखिरकार इस नूं लैके थाणियां दे बाहर सुरक्षा सख्त की गई। रुकर देंगे पंजाब सरकार के हुक्मां की शायद लोगों को कोई परवाह नहीं है क्योंकि मुक्तसर के मैरिज पैलेस के अंदर गोली चली है। दस दिए कि सरकार वालों किसी भी तरह के हथियारों के इस्तेमाल से रोक लगाई गई है। किसी भी तरह के विवाह समागम या होर समागमों में हथियारों से पूर्ण रोक लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद लोगों वालों हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुक्तसर में मैरिज पैलेस के अंदर गोली चली है तो विवाह समागम में मामूली तकरार को लेकर गोली चल गई। दस दिए कि फायरिंग में एक शख्स जख्मी होया है, हालत उसकी गंभीर दसी जा रही है। इतने जानकारी मुताबिक झगड़ा करने वाले दोवें तरह के लोग जिहड़े ने ओ लाड़े नाल आए सन। पुलिस ने फिलहाल 6 लोगों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जांच की जा रही है। सरपंच हरमेश ते उन्हां दे पुत्र नूं नामजद किया गया ते नान पंचायतां खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पेशेंट काफ़ी सीरीयस है जी, ब्लड प्रेशर काफ़ी घट है। गोली जिहड़ी सी पेट दे विच लगी है, अगले पासों लग के पिछों दी अगे भी जख्म है, पिछे भी जख्म है। आंतड़ी वो फटी हुई है, मैदा वह फटिया होया, नाड़ा भी वोदिया फटिया हुई, तो जी मूँह राही भी उन्होंने खून आ रहा है। विआह के जोड़ा अनाउंसर सेगा वो करलाल का जोड़ा नाम लैके फाइनांस हैगी इन्हों की कंपनी का ना, वो जी बार बार ना बोल रहा है। तो जोड़ा सरपंच है हरमेश और हमेशा मानी सिंह आले का नेड़े सादक के रहने वाला, इन्हों रंजिश हुई भी यदा ना क्यों लै रहे हैं। उन्हें आके उत्थे धक्का मुक्क कीती ते अपना जिहड़ा रिवालवर सी डब्बे चों कढ़िया उहदे नाल उहदा फायर कर दिता ते जिहड़ा गुरलाल दी छाती च वज्जा। वह जिहड़ा इत्थे बांसल जिहड़ा उषा हॉस्पिटल है उत्थे एडमिट है, सीरीयस है। ते उहदा जिहड़ा भाई है गुरसेवक सिंह उहदे बयान ते असीं जिहड़ी इहनां दे अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हां। अगली खबर कैनेडा तो है। कैनेडा के शहर विनीपैग दे विच एक पंजाबी महिला की मौत हो गई है। सड़क हादसे में सरबजीत कौर की जान चली गई है। दस दिए कि जानकारी मुताबिक गलत साइड तो आ रही तेज रफ्तार गड्डी ने कार च टक्कर मारी सी, जिस तो बाद सरबजीत की मौत हो गई। मृतका सरबजीत कौर का मोगा के पिंड रौली के नाल संबंध सी। तो जानकारी मुताबिक साल 2012 में अपने पति के दो बच्चों के नाल वो PR से कैनेडा गई सी ते हुण ए मंदभागा हादसा वापरिया। खबर मिलन से परिवार विच मातम पसर गया। सो कैनेडा दे विच ए जो घटना वापरी है जिथे कि मृतका सरबजीत कौर जो कि मोगा के पिंड रौला के नाल संबंधित है, जो कि अपने परिवार के नाल अपने दो बच्चों के नाल उत्थे रह रही सी। 2012 में ही अपने पति नाल PR ते उत्थे गई सी।